हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा चैनल पर जो भी बिगनर्स लोग देखते हैं, कोई बच्चा अगर देखता है तो उनका बहुत ज़्यादा डाउट रहता है शेडिंग को लेकर, क्योंकि शेडिंग आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा तभी जाके आपका वर्क बहुत अच्छा लगेगा। सो मैं आज का इस वीडियो में मैं सिंपल एक आई को ड्रॉ करके आपको दिखाऊँगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करना है, कैसे हाईलाइट को देना है, सब कुछ बताऊंगा। सो आपके लिए इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। और भी ऐसे ऐसे करके हेयर्स आपको कैसे ड्रॉ करना है, नोज, लिप्स, ऐसे ऐसे करके मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ताकि आप भी हर चीज़ को अच्छा से सेपरेट करके प्रैक्टिस कर पाओगे। सो आज का इस वीडियो में मैं सिर्फ आई को ड्रॉ करके आपको दिखाऊँगा। नेक्स्ट कभी मैं हेयर्स या नोज, लिप्स कुछ भी ड्रॉ करके अपलोड करूँगा। सो आज का इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। और आप देख सकते हो ये आई को जो मैं रेफरेंस पिक्चर के हिसाब से लिया हूँ, वो आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। कोई बात नहीं, आपको आई को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ एक आई का रेफरेंस होना चाहिए। आप गूगल पर सर्च कीजिए आई HD इमेज, आपके पास बहुत सारा इमेज आ जाएगा, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर पाओगे। सो चलिए मैं आई को काफ़ी अच्छा से ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या कुछ करना है। सो चलिए मैं आपको कुछ मटेरियल्स दिखाता हूँ जो कि मैं यूज़ करूँगा इस आई को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले मैं तो जो पेंसिल को यूज़ करूँगा वो है 8 लाइन का पेंसिल। अगर आपके पास 8 लाइन का पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। और नीडेड इरेजर जो कि आप देख सकते हो, उसको मैं यूज़ करूँगा हाईलाइट देने के लिए। और ब्रश, नॉर्मल ब्रश, वाटर कलर ब्रश, उसको मैं यूज़ करूँगा शेडिंग करने के लिए। सो आप टिश्यू पेपर या कटन उसको भी यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मल इरेजर आप सबके पास तो है। और वाइट पेन जो कि मैं हाईलाइट के लिए यूज़ करूँगा, और उसको मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, बट देखते हैं अगर ज़रूरत होगा तो मैं यूज़ करूँगा। और टम्बो मोनो 0 इरेजर, उसको मैं यूज़ करूँगा हाईलाइट देने के लिए। अगर आपके पास इन सब चीज़ नहीं है तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। हाईलाइट देने के लिए आप नॉर्मल इरेजर को भी यूज़ कर सकते हो, और ब्लेंडिंग के लिए आप टिश्यू पेपर को भी यूज़ कर सकते हो। इस पिक्चर को ड्रॉ करने से पहले मैं इस पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट से कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ब्लैक एंड वाइट से तो मैं शेड करूँगा पेंसिल को यूज़ करके, सो अच्छा होगा। सो आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट को मैं कन्वर्ट करने के लिए मैं सैचुरेशन ऑप्शन पर गया और उसको एकदम से लेस कर दिया। बाय द वे गाइस, आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। और अभी मैं बस आउटलाइन को ड्रॉ करूँगा इस जो आई का। आउटलाइन में ऐसे ही एक ड्रॉ कर दूंगा, कोई बात नहीं, परफेक्ट ऐसे नहीं है कि आपको इस पिक्चर के साथ एकदम से मैच करना है, ऐसे नहीं। आप ऐसे कुछ आउटलाइन बना दो, बस शेडिंग आपको अच्छा से करना है। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरा जो आउटलाइन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं शेड कर रहा हूँ, और जो डार्क पोर्शन है मैं अभी 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। 4B पेंसिल को यूज़ करके जहाँ पर डार्क एरिया है उसको मैं बस शेड कर रहा हूँ। और आई बॉल आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क है, आप देख सकते हो। सो मैं फर्स्ट लेयर के लिए 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है, और उसको शेड कर रहा हूँ। जो आई का जो वाइट पोर्शन है आप देख सकते हो, उसको मैं अभी काफ़ी स्लोली शेड कर रहा हूँ। आपको भी स्लोली शेड करना है, आपको लेयर वाइज लेयर शेड करना है, ऐसे नहीं कि आपको एकदम से डार्क कर देना है, नहीं तो आपका जो वर्क है वो बिगड़ जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप लेयर वाइज शेड कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जितना बार शेड करोगे आपको उतना ही बार ब्लेंडिंग करना होगा। मैं तो ब्लेंडिंग के लिए ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और आप ध्यान से देखिए कि मैं जो आईब्रो का हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक एक हेयर्स को पॉइंट करके ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, एक एक हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी बस ऐसे ही ड्रॉ करना है, आपको पेंसिल को अच्छे से शार्प करना है, और जो शार्प पेंसिल को आपको ऐसे ही देख सकते हो, जैसे जैसे मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ हेयर्स का, आपको ऐसे ही देना है। देन उसके बाद आपको लेयर वाइज लेयर शेड करके डार्क तक जाना है।
और आई का चारों साइड में जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ आप देख सकते हो, मैं उसको शेड करने के लिए 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डार्क एरिया है आप देख सकते हो। चाहे तो आप HB पेंसिल से भी शेड कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप HB या 2B पेंसिल से शेड कीजिए। और ये शेडिंग कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से ब्लेंडिंग करूँगा क्योंकि मैं आप पहले से भी आपको बोला हूँ मैं जितना बार शेडिंग करूँगा मैं उतने ही बार ब्लेंडिंग करूँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं काफ़ी स्लोली शेड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं प्रेशर के साथ ही शेड कर रहा हूँ, मैं काफ़ी हल्का प्रेशर के साथ ही शेड। गाइस आप देख सकते हो मैं अभी फिर से शेड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे लेयर वाइज लेयर मेरा हॉर स्केच में शेड करता हूँ, इसलिए मेरा स्केच जो है अच्छा रियलिस्टिक लुक आ जाता है। सो आप भी इससे ज़रूर ट्राई कीजिए, लेयर वाइज लेयर स्टेप बाय स्टेप शेड कीजिए, उससे आपका जो वर्क है वो बहुत रियलिस्टिक और अच्छा लुक आएगा। और ये जो शेड कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से ब्लेंड करूँगा और हो सकता है तो मैं और भी लेयर ऐड करूँगा। और अभी आप देख सकते हो मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ जो ब्रश का यूज़ करके। सो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए और ऐसे ही फिर से मैं और एक लेयर ऐड करूँगा, उससे मेरा जो वर्क है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। सो गाइस अभी मैं फिर से और एक लेयर ऐड कर रहा हूँ और उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। सो मैं इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी मैं बस जो आईब्रो का हेयर्स है उसको मैं जो डार्क स्ट्रोक दे रहा हूँ आप देख सकते हो, बट मैं डार्क पेंसिल यूज कर रहा हूँ 6B पेंसिल। सो मैं फिर से उसको ब्लेंड कर रहा हूँ आप देख सकते हो। सो गाइस मैं अभी आई का हेयर्स को ड्रॉ करूँगा, सो इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन को यूज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करूँगा जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हो, मैं स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल भी यूज़ मत करूँगा। सो आप देख सकते हो। और गाइस ये मेथड बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, आप तो एक बार ज़रूर ट्राई करो और मुझे कमेंट पर बताओ कि आपको ये मेथड कैसा लगा। मैं तो मेरा हॉर स्केच में इस मेथड को यूज़ करता हूँ, लेयर वाइज लेयर स्टेप बाय स्टेप स्केच सेट करके मेरा स्केच को कंप्लीट करता हूँ। और अभी बस मैं उसको हाइलाइट दे रहा हूँ आप देख सकते हो, मैं टम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज़ करके जिस जगह पर मेरा लाइट दिख रहा है मैं सेम वही जगह को हाईलाइट दे रहा हूँ आप देख सकते हो, बस और कुछ भी नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो फाइनल मेरा जो आई है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं बस सिग्नेचर कर रहा हूँ और डेट भी मेंशन कर रहा हूँ आप देख सकते हो, आप भी अपना आर्टवर्क में डेट को ज़रूर मेंशन कीजिए। और मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा एक सेपरेट करके हेयर्स या नोज या लिप्स उसको मैं सेपरेट करके अपलोड करूँगा ताकि और भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे सेट करना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको भी इस वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए क्योंकि आपका हर एक लाइक कमेंट मुझे और भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है वीडियो अपलोड करने का। सो आप प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरा चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।